Delhi-based Ripudaman Handa's passion and love for cooking helped him win the MasterChef title in the third season of MasterChef Kitchen Ke Superstar in the finale of the reality show Friday. He won the kitchen battle by defeating Doyle Saragi and Navneet Rastogi, who took the second and third runners-up titles respectively. Ripudaman was awarded Rs 1 crore and a chance to publish his own cookery book. बहुत अच्छा लग रहा है. आई थिंक सब कहते हैं छोटी उम्र में काफी बड़ा धमाका कर दिया मैंने, और मॉम डैड काफी खुश है मेरे से कि आई थिंक कुछ करके दिखाया उनके सामने. और कह रही सारी गलतियां माफ, तो 23 साल में जो गलतियां की थी मैंने वो सारी माफ हो चुकी है. और आज कौन सी गलती? अभी तो फिलहाल 1 करोड़ मैंने मम्मी को दिया, फर्स्ट सैलरी मेरे नाम की और सबसे बिग अमाउंट में. तो The grand finale also saw actors Ranveer Singh and Sonakshi Sinha, who came to promote their forthcoming film Lutera, releasing July 5. Here the actors revealed their expertise at cooking. मैं एक्चुअली बहुत शर्मिंदगी के साथ कहना चाहूंगी कि मैं कोई खाना नहीं बना सकती. खाना बनाने का काम बहुत अच्छा काम मेरी मम्मा करती है, एंड मेरे पूरे यूनिट एंड कोस्टार्स एंड डायरेक्टर सबको बहुत अच्छे से खिलाती है. तो आई कैन वाउच फॉर दिस. ही इज अ बिग फैन ऑफ माय मदर्स फूड एज वेल. मैं ख्याली पुलाव बहुत कमाल का पकाता हूँ और ये मेरी स्पेशलिटी है. ख्याली पुलाव में आपने क्या बनाया सबसे? ये मेरी अगली रिलीज के लिए मुझे कोई अवार्ड मिले एक आध दो, और बहुत सुपर हिट फिल्म रही ये, तो ये ख्याली पुलाव मैंने मोस्ट रिसेंटली पकाई. Ripudaman specializes in serving Indian dishes with an international twist, and this is what made him the winner of the COVID